अंदर मैं वास नहीं करता, मैं कहां मिलता हूं। सुदामा जी कुछ नहीं बताते, भगवान श्री कृष्ण जो जगत के गुरु हैं सारी बात जान जाते हैं। दूसरी बात में सुदामा को के कहने लगे, यार अरे भूखा रह के
घड़ी का डर था, परंतु कोई बात नहीं, आ मेरे राज सिंहासन पे, आज से सब कुछ तेरा। तीसरी बात के अंदर सुनिएगा के बता दिया, सुदामा के बारे में याद नहीं है कि ये सुदामा है कौन। सुन मैं बताता हूँ कि ये सुदामा है कौन, तूने भी इसको श्राप दिया था, आखिरी बात के अंदर तोड़ कर दिया और क्या बता दिया। हो गया था बात तेरे, दुख हो गया था बात तेरे, अरे छो में अपन श्राप दे दिया, ना पर गोकुल में वास करे, मांगे राम हरि की लीला, मांगे राम हरि की लीला, कौन करे और कौन भरे, अरे कौन करे और कौन भरे, कैसे बेटे पूर्णमल जी। गुरुदेव, आपको कुएं से बाहर निकाल करके आपके शरीर को जो कहता जोड़ दिया गया है, आपके शरीर में प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है, वापस आपको जिंदा कर दिया गया है, आप अपने वतन के लिए चले जाइए। आप मुझसे बार बार कह रहे हैं कि अपने वतन के लिए नहीं जाना चाहता, वजह क्या है बेटे? गुरुदेव, ये जीवन आपकी देन है, मैं अपने जीवन को ईश्वर भक्ति में और आपकी सेवा में बिताना चाहता हूं, मैं उस शालकोट के अंदर हरगिज नहीं जाना चाहता। मेरी बात सुनिए। कहिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा, मन और कोई हिलना माँ बाप का गिला ना चाहिए, माँ बाप का गिला ना चाहिए।
का गिल्लाना चाहिए, माँ बाप का गिल्लाना चाहिए। नेम फकीरी बाने का, नेम फकीरी बाने का, मन लई फकीरी फिर के मतलब अपने और बिराने का, हो बिराने का। सबका भला फकीर करे बस काम हरि गुण गाने का, काम हरि गुण गाने का। हो बेदार दी बे रहम कहोना, बेदर्दी बे रहम कहोना, कुटुंब कबीला ना चाहिए। हो जिस घर में पूरन सपूत उड़ा, फूट मट्टी लाना चाहिए, फूट मट्टी लाना चाहिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा और कोई हिलाना चाहिए। माँ बाप का गिल्ला ना चाहिए, माँ बाप का गिल्ला ना चाहिए। लिखे जो ईश्वर आप लिखे, लिखे जो ईश्वर आप लिखे। वो धर्म राज ईश्वर के नजर, मिसल के नहीं खिलाफ लिखे, वो खिलाफ लिखे। ये करामात, ये करामात, ये करामात हो साधु में जो खतावार में भी माफ लिखे, खतावार में भी माफ लिखे। जिसमें बेटे का खून पके, जिसमें बेटे का खून पके, वो पाप पतीला ना चाहिए। हो साधु सेवक साहूकार का सुबह नसीला ना चाहिए, सुबह नसीला ना चाहिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा और कोई हिलाना चाहिए। हो अपने माँ बाप का गिल्ला ना चाहिए, माँ बाप का गिल्ला ना चाहिए। गुरुदेव, अगर आपकी बात मान करके मैं वापस शालकोट में चला भी जाऊं, तो वो पापण वो हत्यारी आज भी उन्हीं महलों के अंदर मौजूद है जिसने मेरा कत्ल करवाया। बेटे पूरणमल, मेरे शरीर को कटवा दिया, मुझे उस बात का दुख नहीं, लेकिन माँ और बेटे के नाते पर जो इतना बड़ा कलंक उसने लगाया है, ये मेरे इस जीवन में क्या, जब तक ये शालकोट का राज रहेगा शायद जब तक ये छूट ना पाए। बेटे, समय वो मरहम हुआ करता है जो हर घाव को भर दिया करता है। वो समय और था जब उसने तुझ पर झूठा आरोप लगा करके तुझे जल्लादों को राजा के द्वारा सौंपने के लिए मजबूर कर दिया गया था, लेकिन आज उसका स्वभाव और उसका रहन सहन का तरीका भी बदल गया होगा। उसके चेहरे पर अब वो लाली नहीं होगी जो पहले थी, उसका दिमाग
बिल्कुल परमात्मा में लीन हो गया होगा। अच्छा हाँ ठीक है गुरुदेव, मेरी सुनिए बात को। उसका भी सुभा बदल गया होगा, धड़के जो बन का पानी, धड़के जो बन का पानी। मैं जान गया वो जी मेरे की, इब तक भी को न्या जानी, को न्या जानी। अरे संत बुरा, अरे संत बुरा ना मान्या करते, सहजा भली बुरी बाणी, सहजा भली बुरी बाणी। सोटा और लंगोटा, लोटा सोटा और लंगोटा, संत का ढीला ना चाहिए। हो ना देखण में तो सुपाग फूल मली ना चाहिए, फूल मली ना चाहिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा और कोई हिला गिल्लाना चाहिए, माँ बाप का गिल्लाना चाहिए। क्या बात है भाई, हारमोनियम उठा दे। संत करें सब काम बने न देर लगे, काम बने न देर लगे। मैं सियालकोट में ना जाऊं ना अच्छी ममता मेरे लगे, ओ मेरे लगे। तू याद करे मैं वही मिलूं जब मेरे नाम की ढेर लगे, मेरे नाम की ढेर लगे। चेला ना चाहिए, अरे गाना हो वही गाना हो, अरे गाना हो लहदारी का, बेताल सुरीला ना चाहिए, बेताल सुरीला ना चाहिए। मैं भजन करूं और गुरु की सेवा और कोई हिला ना चाहिए। हो जा पूरन मले घर अपने, माँ बाप का गिल्ला ना चाहिए, माँ बाप का गिल्ला ना चाहिए। सुन टैप कैसे ओ सपनों के महाराजा, और कहने लगी ओ सपनों के महाराजा, आओ तर पेड़ से आजा, तेर संग करूंगी साजा, तने मेहमान बनाऊं मैं अपनी जान बनाऊं, ओ तने मेहमान Oh.
कैसे कैसे ख्याल मेरे मन के अंदर आए हैं और दूसरे कली में कैसे समझाने लगे बोला झुकाना उनके चरणों में
सोल अटैक कैसे? ओ तेरी बे मतलब की बात नाथ का, अरे नाम पूछ के क्या लेगी, अरे सुंदरा दे इस साधु का घर दाम पूछ के क्या लेगी। ओ सुंदरा दे इस साधु का घर दाम पूछ के क्या लेगी, तेरी पे मतलब की बात नाथ का रे नाम पूछ के क्या लेगी। सुंदरा दे इस साधु का घर दाम पूछ के क्या लेगी। ओ सुंदरा दे इस साधु किया है। आइए दूसरी बात के द्वारा के बता दिया, मैं कह नहीं सकता 84 में कितना कष्ट उठाया है, आदम देह का जन्म जगत में बड़े भागते पाया है। ईश्वर का भजन सारिया चारों ने गाया है, नासवान संसार जगत में सब धोखे की माया है। राधा जैसा राह नहीं, तेरा राधा जैसा राह नहीं। शाम पूछ के क्या लेगी सुंदरा दे इस साधु का घर दाम पूछ के क्या लेगी। दुश्मनी रखते हैं, आइए तीसरी बात के अंदर कैसे समझाने लगे। अरे उस ईश्वर का सबके अंदर बजता चमकतार हमें दुश्मन ना कोई प्यारा सारा जग के सार हमें
साथियों, रोने का कारण पूछा। इतनी बड़ी नगरी के राजा हो फिर भी आंखें आंसुओं से भरी हुई। एक बात के द्वारा किस तरह क्या कहते हैं राजा सलभान, क्या दर्शाया, क्या लिखा भला। जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा कोना हो, घर का बाग हरा कोना। मेरी दुनिया को मार पानी है, गुरु में भाग मरा कोना, जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा कोना, घर का बाग हरा कोना। आंखों में नीर बहे, मेरी झाली उठे है काया में, झाली उठे है काया में। अरे बेशक बाग हरा हो गया, पर कौन बैठे का छाया में, मेरे बर्तन वाला, मेरे बर्तन वाला रहा नहीं, क्या आग लगा दूं माया में, आग लगा दूं माया में। इस दुख से दिल दुखी हुआ, इस दुख से दिल दुखी हुआ, खुशियों से कदा भला कोना, जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा कोना हो, घर का बाग हरा कोना।
पता कि मेरे तो भाग में ऐसा ही लिखा था, जबकि कर्म से ही भाग बनता है। राजा श्याल भान ने गलती तो की थी, इकलौते बेटे को, निर्दोष बेटे को जल्लादों को सौंप करके कत्ल करवाया था, लेकिन आज उसी संत बने हुए पूर्णमल को पहचान नहीं पाए और कह रहे हैं कि मेरी न्यू आंखों में पानी है। हल्का रखो, मेरी न्यू आंखों में पानी है गुरु, मैं निर्भाग मरा को न्या। ये जंगल का बाग हरा हो गया पर मेरे घर का बाग हरा को न्या। राजा भी अपने भाग्य को दोष देते हैं कि पता नहीं इस दुनिया में कैसा भाग्य लिखा के आया मैं, हर दम आंखों में नीर रहे मेरी झाल उठे हैं काया में। यो बेशक बाग हरा हो गया पर कौन बैठेगा छाया में, मेरे बर्तन वाला रहा नहीं क्या आग लगा दू माया में। और मेरा इस दुख से दिल दुखी हुआ, खुशियों से कदे भरा को न्या। जंगल का बाग हरा हो गया मेरे घर का बाग हरा को न्या। अगर रागनी अच्छी लग रही है तो जोरदार तालियों से अपना आशीर्वाद दें और दूसरी कली के माध्यम से क्या कहते हैं सुनेंगे चिंतामणि की आवाज में। चिंतामणि ने भी अपने दुख की दास्तान व्यक्त कर दी कि अपने दुख की थारे सामने कर दी साफ शिकायत गुरु, मुरझाई सी पड़ी रहे मेरी न्यू नादे दिन रात गुरु, मेरा जगत मोक्ष और अगत बिगड़ गया, बहुत बड़ी है बात गुरु, जब ऋषि मुनियों ने भी चाह बेटे की तो फिर मेरी क्या औकात गुरु। जोरदार ताली हो गई, जोरदार ताली। क्यों? क्योंकि उद्यालक को दुनिया में गुरु बेटे बिना सरा को न्या। जंगल का बाग हरा हो गया मेरे घर का बाग हरा को न्या। जब उद्यालक मुनि जैसे जिन्होंने 88,000 वर्ष तक तप किया उन्हें भी बेटे की चाहत रही तो मेरी सराज गद्दी पर बैठने के लिए कोई वारिस तो चाहिए। ये नहीं बताया है मैंने इकलौते बेटे को मरवा दिया। तीसरी कली के माध्यम से राजा क्या बात कहते हैं सुनेंगे प्रियंका चौधरी के द्वारा। Oh!
जैसा जिसका जैसा जिसका तार जगत में वैसा रोड़ा मचता है, वैसा रोड़ा मचता है। इस दुनिया का परताप गुरु मेरे साथ में ऐसा जचता है। अरे मेरी और मेरी रानी की दिखे, मेरी और मेरी रानी की जग परछाई से बचता है, परछाई से बचता है। मैं बीच बिचाड़े लटक गया रे, बीच बिचाड़े लटक गया रे, बीच बिचाड़े लटक गया। गुरु अब आकाश भरा को ना, जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा को ना, घर का बाग हरा को ना। और भाई तीन कलाकारों से तीन कली आपने सुनी, चौथी कली को चौथे कलाकार के द्वारा भाई जयवीर भारती जी के द्वारा सुनवाएंगे। एक बार भाई ताली बजा दे जोरदार, आपके द्वारा ताली हो जाए। साथियों राजा कह रहे थे कि हे महाराज, पता नहीं मेरे राज्य को किसकी नजर लगी है, मैं अपनी नगरी के जिस रास्ते को निकलता हूं मेरी नगरी के लोग मुझसे पीठ फेर लेते हैं, जिस राजा से उसकी प्रजा इतनी घृणा करती हो इस तरह से बचती हो, क्योंकि लोग जानते थे कि राजा ने निर्दोष बेटे को मरवाया है, इसलिए लोग उन्होंने मेल झोल खत्म कर दिया था। राजा से बचते थे, जिस रास्ते को राजा शालभान आते दिखाई देते लोग अपना किनारा कर लेते। तो राजा कह रहे हैं कि जिस राजा से उसकी प्रजा ऐसे बचती हो उस राजा का कैसा राज, मेरा मन इस जीवन को जीने के लिए अब गवाही नहीं देता। चौथी व अंतिम कली के माध्यम से क्या कहते बोला, चल रहे हैं कुछ आवाज उनमें भी दबरी है, थोड़ा सा एक बार और घुमा दो बस, इतना ही पेटी खत्म, फिर दूसरी होगी जब शुरू, इतना कली हो जाएगी। चलो क्या बात है लेखराज भाई, ये जब फूल नहीं फुलवारी में हो, फूल नहीं फुलवारी में हो, नटन सिंह राज बल मन की खोल सुनाती सारी में, फिर सांस मार के, फिर सांस मार के न्यू बोलिया, मेरा क्या है दुनियादारी में हो, क्या है दुनियादारी में हो, मेरी न्यू आंखों में पानी है, मेरी न्यू आंखों में पानी है, गुरु में मेरे भाग मरा कोना, जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग
बाग हरा कोना। सोनू टैक्स कैसे बेटे तुम्हारी माँ को देखना शुरू हो गया, भली भांति मैं पहचान गया हूं कि तुम मेरा वही बेटा पूर्णवल है जिसको मैंने 13-14 साल पहले जल्लादों को सौंप करके कत्ल करवाया था। आज इस बाग के अंदर आए हूं, तुम्हारे पैर रखते के साथ जंगल का सूखा हुआ बाग हरा हो गया। इस फकीरी बाने को उतार दे बेटे, यह जंगल का बाग बेशक से हरा हो गया हो लेकिन मेरे घर का आंगन आज भी सूखा पड़ा है। तेरे बगैर इस राज को चलाने वाला कोई भी नहीं है, इस फकीरी भेष को उतार दे और इस राज गद्दी पर बैठ जा। इन बातों से अब कोई फायदा नहीं है, मैं आपका वो पूर्णमल नहीं हूं जो आपने, जिस पूर्णमल को आप समझ रहे हो, जिस पूर्णमल को आप मेरे अंदर देख रहे हो, जिस पूर्णमल को आप महसूस कर रहे हो, अब मैं वो पूर्णमल नहीं हूं। मेरी बात सुन बेटे। कहिए। पास में रखूं, लेकिन हे राजन यह संभव नहीं है। जिस राजगद्दी का आप मुझे लालच दे रहे हो, मेरे गुरु गोरखनाथ ने तो मुझे उससे भी ऊंचा स्थान दे रखा है। कहिए। तू सियालकोट का राजा बनिए, सियालकोट का
राजा बने यही रखिए साथ गुरु ने मुझे राजा ना महाराज बना दिया मेरे गोरखनाथ गुरु ने हो गोरखनाथ गुरु ने मैं मानू हूं कुछ थोड़ी सी तेरे करी कुभात गुरु ने तने सुखा दिया था पेड़ लगा दिए फल और पात गुरु ने हो फल और पात गुरु ने कोई देख लड़की शादी कर दूं देख लड़की शादी कर दूं उतरे फर्ज हमारा मैं खाती से लिकड़ गया ना कुवे मैं पढ़ूं दोबारा रे ना कुवे मैं पढ़ूं दोबारा तार फकीरी बाड़ा बेटा तार फकीरी बाड़ा बेटा राज सौंप दियूं सारा मैं तो गोरखनाथ गुरु का बेटा पूरण मल न थारा हो साथियों संत बने हुए उस पूरणमल के पैर पकड़ लिए राजा सालभान ने और ये कहने लगे रे बेटे इस राजगद्दी पर बैठ जा मैं उस बात से बहुत शर्मिंदा हूं आज मुझे पछतावा है कि मैंने गलत किया था। साथियों तीसरे नंबर पर क्या दर्शाया वाला बेटे पूरणमल कहिए राजन एक राजा के घर में जन्म लेने के बावजूद एक राजा की संतान होने के बावजूद आप दर दर भिक्षा मांग करके अपने पेट को भरते हैं। आखिर मैं तुम्हारा पिता हूं और इतना बड़ा राजपाट है बेटे इस फकीरी बाने को छोड़ दे। हे राजन इकलौते बेटे को निर्दोष बेटे को जल्लादों को सौंप करके कत्ल करवा दिया उस बेटे का दुख दर्द तो सहन कर गए लेकिन अगर आज उसे गुरु गोरखनाथ ने बिल्कुल ठीक करके सामर्थ करके आपके सामने भेजा तो कह रहे कि मेरे कंधे पर ये झोली डंडा आपको शोभा नहीं दे रही आपको अच्छे नहीं लग रहे मैं इन चीजों से बहुत दूर हो चुका हूं ये बातें मेरे मन से परे जा चुकी हैं। अरे मांग मांग क्या और अपमान का चक्कर अब हृदय अंदर रहा नहीं हो हृदय अंदर रहा नहीं तन मात पिता समझावे थे पर पूर्ण मन ने कहा नहीं मेरे मात पिता गुरु गोरख है तेरे हृदय भीतर दया नहीं तेरे हृदय अंदर दया मेरी तू तो है आंखों का तारा तने बीच धार में गेरा था बड़ी मुश्किल मिला किनारा रे बड़ी मुश्किल मिला किनारा तार फकीरी पाना बेटा तार फकीरी पाना बेटा राज सौंप दूं सारा लोगो हालात देखिए किससे के क्या हालात बने हुए हैं। एक पिता पुत्र के सामने खड़ा है पैर पकड़ लिया और ये कह रहे बेटे तेरे पैर पकड़ता हूं इस साल कोर्ट की पैर को संभालने की कोई जरूरत नहीं है ना पैर पकड़वा सकते क्योंकि एक
पिता से एक पुत्र अपने पैर पकड़वा नहीं सकता, इसलिए पूर्ण मल ने साफ कह दिया, हाथ जोड़ करके कि नहीं मेरे चरणों की तरफ इधर आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं संत के भेष में हूं और इसलिए आपसे पैर नहीं पकड़वा सकता क्योंकि आप पिता रहे हैं मेरे। आज मैं गुरु गोरखनाथ का शिष्य हूं, इसलिए आप कितनी भी कह ले आपकी बातों का मेरे ऊपर अब कोई असर होने वाला नहीं है। गुरु का आदेश था तो माता के दर्शन करने के लिए मैं आया था इस नगरी के अंदर, वरना इस राजपाट से मेरा नाता टूट चुका है। किस तरह से चौथी व अंतिम कली के माध्यम से क्या बात कहते बोला? गृहस्थ आश्रम की बात है साथियों। गृहस्थ आश्रम को त्यागने के बाद जब संन्यास आश्रम में पहुंचते हैं तो परमात्मा में लौ लगती है, उसके पास में उसके साथ साथियों कोई यार रिश्तेदारी सब खत्म होती है। अंतिम कली के अंदर क्या लिखा बोला? पुत्र पिता और कौन किसे की माता ने, हाँ कौन किसे की माता, वो धरती ऊपर पड़िया मौज महलों के बीच उड़ाता। कह लड्डन सिंह, कह लड्डन सिंह राजबल आनंद धरती माँ पे आता, इस धरती माँ पे आता। तेरा खेड़ी गाँव नावले में, खेड़ी गाँव नावले में हर लोग ठिकाना चहरा। बता एक जगह कैसे रुक जायो तो घूमड़िया बन जारा रे, हाँ घूमड़िया बन रागनी पसंद आई हो। सुन टैक कैसे? इतना दर्द गुरु चेले पे, यू सहना मुश्किल हो जागा, पर गोपी चंद पे ब्याही देवा कहना मुश्किल हो जागा। इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जागा, पर गोपी चंद पे ब्याही देवा कहना मुश्किल हो जागा। इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जागा। चंद्रमा पे गुरु, चौदस के चंद्रमा पे गुरु यू कहना मुश्किल हो जागा, पर गोपी चंद पे प्याही ने वा कहना मुश्किल हो जागा। इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जागा।
मुश्किल हो जाएगा, पर गोपी चंद पे ब्याही ने मां कहना मुश्किल हो जाएगा। अगर भिक्षा लेने के लिए ही भेजना है गुरुजी, किसी और के पास भेज दीजिए, जिसके साथ मेरा रिश्ता पति और पत्नी का रहा है, मैं उसे माँ किस तरह से कह सकता हूँ? दूसरी कली में कैसे लिखा, क्या बताया भला? आप खुद सुख निंद्रा में सोएगी, बेटा बड़ा फकीर आप खुद सुख निंद्रा में सोएगी। मेरी बारे कन्या सिर फोड़े गुरु सोले रानी रोवेगी, मन के बेरा थसात मेरे यू अनहोनी भी होवेगी, मन के बेरा थसात मेरे ये अनहोनी भी होवेगी। गंगा जल का उतर को गुरु, गंगा जल का उतर को गुरु, यू पहना मुश्किल हो जाएगा, पर गोपी चंद पे प्याही ने मां कहना मुश्किल हो जाएगा, कितना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जाएगा। घट में राम बताया, ओ रोम रोम में रम्या हुया घट घट में राम बताया, भजन करण का भजन करण का कर्म गुरु मुझे आठो आम बताया, पर ब्याही को माँ कहने का गुरु केड़ा काम बताया, पर ब्याही को माँ कहने का गुरु केड़ा काम बताया। वे दुनिया करे मखोल जगत में, दुनिया करे मखोल जगत में, यू रहना मुश्किल हो जाएगा, पर गोपी चंद पे ब्याही ने मां कहना मुश्किल हो जाएगा, इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जाएगा। गोपीचंद तेरा जोग सफल जब ही होगा जब तू अपनी बड़ी रानी पाटम देखो मां कहकर के भिक्षा लाएगा। गोपीचंद ने अपने स्याही वस्त्र उतार दिए, भगवा बाण अपने शरीर में ग्रहण कर लिया। किस प्रकार से चौथी गली में क्या हवाला बना, जमता न मन घूम रहा माया में, भगवान भजन में जमता न मन घूम रहा माया में, भई माया का मस्ताना हाथी, माया का मस्ताना हाथी, यू तेरा मुश्किल हो जाएगा, पर गोपी चंद पे ब्याही ने मां कहना मुश्किल हो जाएगा, इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जाएगा, गोपी चंद पे प्याही ने मां कहना मुश्किल।
मुश्किल हो जागा। इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जागा। प्यारे सेठ ने सोच तेरे सर हो या ते दोष धरावेगी हो या ते दोष धरावेगी हो इस विक्रम सादे भोले ने हो बिन खोट अरलिया रे सेठ ने सोच तेरे सर दोष धरावेगी सर दोष धरावेगी इस विक्रम साते भोले ने बे खोट मरावेगी इस विक्रम साते भोले ने बे खोट मरावेगी। चंदा वर्गी सूरत पे चंदा वर्गी सूरत पे गिरड़ा फिर वावेगी गिरड़ा फिर वावेगी इस विक्रम साते भोले ने बे खोट मरावेगी इस विक्रम साते भोले ने बे खोट मरावेगी। और ना उसके डर की वजह से भोजन ग्रहण कर पाती है वैसा ही हाल नगर सेठ का हो जाता है। दूसरी बात में क्या बता दिया भैया के सर फुड़वा के दो भैया के सर फुड़वा के थप्पर भरवावेगी थप्पर भरवावेगी इस विक्रम साते भोले ने बे खोट मरावेगी इस विक्रम साते भोले ने बे खोट मरावेगी। तखत और धजा महल रंगीन तखत और धजा महल की यातड़े गिरावेगी यातड़े गिरावेगी इस विक्रम साते भोले ने बे खोट मरावेगी
जाता है। आखिर करूं तो क्या, अगर इसकी रानी की बात नहीं मानी तो ये मेरे को मरवा देगी, और अगर विक्रम के विषय में महाराज को जाकर के बताया तो वो अवश्य ही मेरा यकीन नहीं करेंगे, रानी की बातों को मानेंगे। आखिरी बात में किए बता दिया। सिर समका तेरी पपेटा सिर समका या हरा करावेगी इस विक्रम सच भोले नंदे खोट मरावेगी अर लिया सेठ ने सोच तेरे सरदोष धरावेगी कि जब मैं कचहरी से रोजाना आया करता था तो तेरा चेहरा जैसा तेरा नाम है वैसा ही तेरा चेहरा मिला करता था, फूल की तरह खिलता हुआ, लेकिन आज तेरे चेहरे पे उदासी, क्या कारण है? गोली लगी भाई मेरे, गोली तो छर्रा से मर जाता, गोली की जरूरत नहीं, पूरी गोली है झेले बैठा हूं मैं। लेकिन मेरी बात सुन ले भाई, कह दे गोली तो तेरे लगी, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि तेरे बात की गोली लगी है, वैसी गोली तो नहीं लगी, नहीं वैसी की तो हवा से गिर पड़ता हूं। नहीं, दोनों तरह की गोली लग रही, मेरी बात सुन। मैं जैसे ही शिकार खेल करके महल में पहुंचा और अपनी भाभी से एक गिलास पानी के लिए कहा, भाभी ने मना कर दिया और कह दिया कि जा, इतनी ताबेदारी तो मैं उसकी भी नहीं करती जिसकी लुगाई बन करके इस महल में आई। ओहो, तेरे बारे में भी कहा है। अच्छा, झूठे वजन मानी नौरी का तई भगवान सुने हैं मेरी बात, जरा गौर से सुन ले। हां जी, तेने भाई फूल सिंह के बारे में ऐसी क्या बात कहती जो अपने बात को ये दिल तले गया है? बात ऐसी है जैसा ये बोल रहा है, एक तो ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है सरासर। अच्छा हाँ, और दूसरी बात, आप तो रोजाना कचहरी में चले जाते हैं, लेकिन आपके जाने के बाद कभी चाय दे दो, कभी पानी दे दो, कभी रोटी दे दो, कभी सब्जी दे दो, कभी ये दे दो, कभी वो दे दो, मतलब मेरे पीछे ही पड़ा रहता है पूरे दिन, और खड़ा तो ऐसा है जैसे। भाई फूल सिंह कहिए, कोई बात नहीं है, कुछ कामों को आप भी कर लिया करें, क्योंकि भाभी तुझे पता नहीं है कि पटरानी है, ये सहज तुझे पानी और खाना बहुत नॉर्मल तरीके से जो देगी। अच्छा हाँ, मेरी बात सुन ले, मैं शिकार खेल कर थारे लिए लाला, कोई मेरे बालक तो रो नहीं रहे, ना 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 मत खेल, एक गिलास पानी भी दे सकती हो, ठाली पड़ी रहे महल में। ओ हेलो, अच्छा कोई कहता नहीं है तुझसे शिकार खेलने के लिए, हंटर हो रहो तो, और आपको लगता है कि चूहा भी मार सकता है शिकार? मैं तो बड़े बड़े शेर मारे। कह दे, सुन ले मेरी बात, भूप मेरे क्या भाई, तू मेरी दर्द कहानी ले, बोली दी मुझे मार मेरी भाभी मर जानी ने, अरे रे वो तो मार की ताना, मेरा दिल हो गया दीवाना, अरे रे वो तो मार की ताना, मेरा दिल हो गया दीवाना।
दर्द कहानी ने बोली थी मुझे मार मेरी पापी मर जानी ने अरे वो तुम्हार की ताना मेरा दिल हो गया दीवाना अरे वो तुम्हार की ताना मेरा दिल हो गया दीवाना भैया और घर से काटिया बाहर तेरी उस बहू बंगाली ने बोली थी मुझे मार मेरी बाबी मर जानी ने अरे वो तुम्हारे की ताना मेरा दिल हो गया दीवाना अरे वो तुम्हारे की ताना मेरा दिल हो गया दीवाना शादी करवा दे तू। अच्छा हाँ मैं ये कह रहा हूँ थोड़ी सी और पढ़ाई लिखाई कर लेता तभी करवा देता। पढ़ाई लिखाई बाद में भी करता रहूंगा मैं, ऐसा कोई बात नहीं। अभी तू थोड़ा हष्ट पुष्ट भी हो ले और थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे भाई। मेरी बात सुन ले। सुना दे। चाहे मुझे अपनी जान पे खेल करके नौटंकी को ब्याह के लाना हो लेकिन मैं उससे शादी जरूर करूंगा। मेरी बात सुन ले। काश खुशियों की दुकान होती और हमें भी उनकी पहचान होती। काश खुशियों की दुकान होती और हमें भी उनकी पहचान होती। सारी खुशियां खरीद कर नौटंकी की झोली में डाल देते। चैन खुशियों के बदले हमारी जान होती। और दूसरी बात में क्या लिखा शादी की। कुछ भाग दौड़ करेगा तू या कैसे? भाग दौड़ तेरी शादी की कर रहा हूँ, घबरा मत बिल्कुल। तेरी आप पहले करवा दूंगा पर थोड़ी देर रुक जा।
आपको भी लग रहा जी वो मेरा घर बसवा देगा, गिरवा देगा मेरे फेरे। अब एक बात बता यार, हिसाब से ही तो होंगे सब काम, कहीं पिटवाने का जब ब्योत बनावे तो उसे बता दे। मेरी बात सुन ले, शादी वादी तो तू करवाने का नहीं मेरी, लेकिन एक छोटा सा काम है उसे करवा दे। अच्छा हाँ, क्या काम है उसे भी बता दे। पहले उसे बता दे तुझे भाभी, मैं बता रहा हूँ इसकी बात, और इसकी बातों को मत सुना, ये सत्यानाश ले जाएगी, तू कहते जो कहना। मेरी बात सुन ले, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे सर पर दो फूल चढ़ा देना। सुन बम्बारे मत यार, ऐसे क्यों करे भाई? ना बस मरी जान दे इस जिल्लत की जिंदगी से, तो मर जा मर जा, चीटान में मत जा भी थम। अगर मैं मर जाऊं तो मेरे सर पर दो फूल चढ़ा देना, कोई पूछे मरने की वजह तो बेआई मौत बता देना, कोई पूछे मिलने का पता तो शमशान घाट का रास्ता बता देना। लेकिन ए भाई भूप सिंह, ये मेरी आपसे आखिरी ख्वाहिश है कि मुझे चार कंधों पर रख के नौटंकी के घर से गुजार देना। और चौथी बात में क्या लिखा, मेरी बात भी सुनना थोड़ी सी, रहा मत पकड़, इधर आ जा जरा। एक काम कर, एक रेडियो मिल जाएगी रे कम्बल, तेरी नसबंदी करवा दूंगा। ओ भाई तुझे लिहाज़ तो नहीं है। सिकना सोचे लावे यहाँ ने, बोली दी मुझे मार मेरी भाभी मर जानी ने, अरे वो तुम्हारे की दाना मेरा दिल हो गया दीवाना, अरे वो तुम्हारे की दाना मेरा दिल हो गया दीवाना। अरे लाल दुपट्टा हो, 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 हो। लाल दुपट्टा उड़ गया नहीं हवा के झोंके से, मुझको कैसे ये रत क्या राज भरत को दे दूंगा, तेरी है मंजूर कहानी। और कहने लगे क्या, लेकिन मत वनवास राम को दिलवा रे मर जानी हो, लेकिन मत वनवास राम को दिलवा रे मर जानी। ओ राज भरत को दे दूंगा, राज भरत को दे दूंगा, तेरी है मंजूर कहानी, लेकिन मत वनवास राम को दिलवा रे मर जानी। हाँ, लेकिन मत वनवास राम को दिलवा रे मर जानी। सबर करूंगा उस दुख ने मैं ही जानू जो के कई रोज भरूंगा रे। हाँ, उस दुख ने मैं ही जानू जो के कई रोज भरूंगा। वो प्रजा बुरा बतावेगी जब मन में आप डरूंगा, कौशल्या कर धन देख कहा टक्कर मार मरूंगा रे। हाँ, कौशल्या कर धन देख कहा मरूंगा, तेरे सर पे दोष धरूंगा, तेरे सर पे दोष धरूंगा, तेरे सर पे दोष धरूंगा, जद उजड़ेगी रज धनी। लेकिन मत वनवास राम को दिलवा में मर जानी रहा, लेकिन मत वनवास राम।
साथियों पहली कली में कह दिया कि बिना राम के खुद कहते किस तरिया सबर करूंगा और उस दुख ने मैं ही जानू जो के रोज भरूंगा। जब ये प्रजा बुरा बतावेगी तो मन में आप डरूंगा और कौशल ला के रुधन देख कहा टक्कर मार मरूंगा। तेरे सर पे दोष धरूंगा जब उजड़ेगी राजधानी, क्योंकि साथियों सच्चाई है कि औरत जैसा वजीर भी नहीं है। यदि अपनी सी पे आ जाए तो साथियों सर्वनाश में भी देर नहीं लगाती। आज रानी केकई ने यह नहीं सोचा कि तेरे भरत पुत्र से भी ज्यादा तुझे माँ का दर्जा देता है तो राम देता है। दूसरे नंबर पे क्या लिखा क्या बता रहा? पटक पटक सर नागा मरले जिसकी मणि बिछड़े जा रहे हाँ। पटक पटक सर नागा मरले जिसकी मणि बिछड़े जा वो कद सीता कद लक्ष्मण रोवे सारा काम बिगड़ जा। कौन से मुंह से कह दूंगा इस घर से राम निकड़े जा रहे हाँ। कौन से मुंह से कह दूंगा इस घर से राम निकड़े जा। ओ तेरा भी नखरा झड़ जा रे ओ तेरा भी नखरा झड़ जा रे तेरा भी नखरा झड़ जा। घनी पड़ रही चादर सियाणी लेकिन मत मनवा से राम को दिलवावे मर जानी रे हाँ। लेकिन मत मनवा से राम को दिलवावे मर जानी। मैं वनवास दे सकता हूं और भरत को राज तिलक कर दूंगा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन एक खोट ऐसा बता दे राम का कि जिसके चलते मैं उसको दुहाग दे दूं और 14 साल वनों के लिए भेज दूं। रह लोगो, आज एक पिता अपने पुत्र के लिए कह रहा है और सौतेली मां साथियों वनवास के लिए कह रही है। तीसरे नंबर पे किस तरह की बात लिखी, क्या दर्शाए वाला क्या लिखा? रामचंद्र का खोट पता मेरा हो विश्वास चला जा। आज कह कल रोएगी चरणों का दास चला जा रहा। आज के पल रोएगी चरणों का दास चला जा। वो तेरे नाम से नफरत हो जा रही बनी इतिहास चला जा। जिस घर में हो तेर मेरे उस घर का नाश चला जा रहा। जिस घर में हो तेर मेरे उस घर का नाश चला जा। वो सब रंग रास चला जा से रे। वो सब रंग रास चला जा से रे। सब रंग रास चला जा से। जहां माहो बेटे खानी लेकिन मत वनवास राम को दिलवा में मर जानी रे हाँ। लेकिन मत वनवास राम को दिलवा में मर जानी। अंतिम और चौथी कली के अंदर ये कहने लगे राजा दशरथ की, हे रानी के कई मैं अपने मन के अंदर तो पता नहीं क्या क्या सोचता हूं लेकिन उस पुत्र के मन के अंदर क्या व्यथा गूंजेगी। अंतिम और चौथी कली में क्या दर्शाया है? सोच सा
राजमहल का सोवनिया कैसे जंगल में सोवे गारे हाँ राजमहल का सोवनिया कैसे जंगल में सोवे गा ओ तेरा हंसना बुरा लगे जब सब कुनबा रोवेगा गुरु शरणदास के चरण जय करण मल मल के धोवे गारे गुरु शरणदास के चरण जय करण मल मल के धोवे अरे धोवेगा वो तरज सभा में धोवेगा वो तरज सभा में जो सबको लगे सुहानी लेकिन मत वनवास राम को दिलवा में मर जानी रहा लेकिन मत वनवास राम को राम को दिलवा में मर जानी रहा लेकिन मत वनवास राम को दिलवा में मर जाने सुनो टैक कैसे अरे लाल किले पे पड़ो बिजड़ी आग लगो दहली में अरे लाल किले पे पड़ो बिजड़ी आग लगो दहली में हर शालकोट ते उजड़ गया आज शालकोट ते उजड़ गया तेरे बसा भूत हेली में अरे लाल किले पे पड़ो बिजड़ी आग लगो दहली में अरे लाल अरे बेटे आड़ घाव खुले किस धागे ते सीवेंगे बेटे आड़ घाव खुले किस धागे ते सीवेंगे अरे शहनशाह के भूत मरे हम काजी के निवेंगे अरे चारों तरफ अंधेरा आसरा हम किसका लेवेंगे अरे चारों तरफ अंधेरा आसरा फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया हो दूसरी बात के द्वारा सुनेगा क्या बता दिया अरे लाल किले के नीचे दोनों रोए पहर के तड़े के अरे बादशाह तेरा नाश करेगा सबर हमारा पड़े के अरे शहनशाह तने पता चलेगा मारी ढाड़े उजड़े के अरे सारा तुखरो
बेटी मैं खेलेगा वो घड़ी कौन सी आवेगी मेरी गोदी में खेलेगा हमारी ढाल इस दुनिया में पता कण पापड़ पेलेगा जो हमारी मुसीबत सुन लेगा उसका भी दिल दहलेगा जो हमारी मुसीबत सुन लेगा उसका भी दिल शहनशाह भी झेलेगा शहनशाह भी झेलेगा जैसी विपता झेली मैं किले पे पड़ोगी जली आग लगो रहली मैं तेरे लाल किले पे पड़ोगी जली आग लगो रहली यूं कहने लग जाती है कि अगर कहीं कोई ईश्वर है कहीं कोई राम मेरी पुकार सुनता हो तो जैसा आज मेरे बेटे हकीकत के साथ हुआ है वैसा ही इन काजियों के परिवार के साथ हो तो मेरे बच्चे की आत्मा को शांति मिलेगी। आइए आखिरी बात के माध्यम से क्या बता दिया कैसे चित से हट जा इनका जियों के भूत मरे इनका भी ध्यान पलट जा अरे मेरी ढाड़ सब दुश्मन रोवे इनका भी गुण वघट जा गौरी शंकर नाम रटू कोई रटा रटाया रट जा गौरी शंकर नाम रटू कोई रटा रटाया रट जा अरे पीरू कैसे मिट जा कैसे बहिरे फूल कहे तकदीर से ना कुछ पार बसाए जिस नर पे या फते पड़े बहिरे लोगों सब आदर घट जा ओ रे तेरे जैसा यार जगत में मन टोहे से भी पाया ना अरे धन्य सुतामा टोटे में भी धन्य सुतामा धोरा धर जाते हैं पहचानने से इनकार कर दिया करते हैं साथियों गरीबी में बनी के चेहरे पर लाखों इंसान होते हैं बनी बनकर बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं
जिस समय इंसान के पास धन होता है तो सब मित्र और यार है, लेकिन परख उस समय पे होती है जब किसी ना किसी चीज की कमी हो जाए या किसी इंसान की इस संसार के अंदर जरूरत पड़ने लगे। नंबर एक के अंदर क्या लिखा, भाई टोटे खोटे जबर खने में, टोटे खोटे जबर खने में, कौन सी बात सही को ना, दानो तक मोहताज सुदामा तेरे कोड़ी पास सही को ना, सब दरिया से ठोके देखा अपनी आल दई को ना, जितने दिन रहा मेरे धोरा तुम मारी बात सही को ना, कथा कही सब ढाला की कथा कही, पर घर का हाल बताया रे ना, ओ तेरे जैसा यार जगत में दोहे से भी पाया ना, अन्य सुदामा टोटे में भी, अन्य सुदामा टोटे में भी सभी मान गिराया ना, तेरे जैसा यार जगत में। हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको तो पता होगी, लेकिन जो नौजवान और हम मेरे उम्र साथी उनको शायद पता हो या ना हो। साथियों, लेख बताते हैं कि केवल 5 घरों से भिक्षा मांगा करते थे सुदामा। इतने स्वाभिमानी थे कि केवल 5 घरों से भिक्षा मांगा करते थे। 5 घरों से भिक्षा मिल जाए तो ठीक है, वरना खाली झोली लेकर के वापस लौट आया करते थे। साथियों, यह जानते हुए कि मेरे बचपन का मित्र है श्री कृष्ण से एक पैसे का जिक्र नहीं किया सुदामा ने। यह कहा कि सुदामा तूने तो मुझे नहीं बताया, लेकिन मेरे यार रात मेरे सपने में मेरी भाभी मिश्रानी सुशील आई थी और मुझे सारा हवाला बताया। नंबर 2 के अंदर क्या लिखा, अरे सपने में मन है तेरे से, सपने में मन है तेरे से, मिश्रानी लड़ती देख लई, भूख प्यास में तेरे बालकों की रे आब उजड़ती देख लई, घर घर धक्के खाए रे तने, घर घर धक्के खाए तने, तेरी हवा बिगड़ती देख लई, मेरे धोरे तू जब आया जब तन दुनिया हड़ती देख लई, कोटे में बेबस हो गया, कोटे में बेबस हो गया, पर तेरी मान बिगाया ना, ओ तेरे जैसा यार जगत में दोहे से भी पाया ना, अरे धन्य सुदामा कोटे में भी, धन्य सुदामा कोटे में भी, आज सभी मान गिराया ना, तेरे जैसा यार जगत में, हो 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 मैं सब जानू तू बाहर लिकड़ दई, नैना नीर बहावेगा, खाली हाथों भेज दिया मुझे सौ सौ गाल सुनावेगा, कृष्ण जी को छलिया ठगिया धोखे बाज बतावेगा, पर मेरे यार ओ मेरे यार मेरे जैसा तन यार न ढूंढे पावेगा, तन के बेरा तन के
गाया हो या ना दिया हो कोई बात नहीं, लेकिन चौथी कली आपके बीच में सुना रहा हूं। श्री कृष्ण ने कुछ कपड़े लगते दे करके सुदामा को विदा कर दिया और उधर से विश्वकर्मा भगवान को बुलाया। विश्वकर्मा लोगों ऐसे देवता थे जो देवताओं के लिए महल तैयार किया करते थे। ये कह दिया विश्वकर्मा को बुला करके, अरे विश्वकर्मा मेरा यार सुदामा दो लोगों का राजा बन गया है। सुदामा को इस बात का पता नहीं है, लेकिन मेरा मित्र मेरा सखा सुदामा दो लोगों का राजा बन गया है, उसके लिए ऐसा महल तैयार कर दे जिसको देख करके संसार दंग रह जाए। रह लोगो कह तो दिया करते हैं कि कृष्ण सुदामा जैसी यारी, लेकिन कृष्ण सुदामा जैसी यारी कोई मजाक नहीं हुआ करती। दो लोग दे दिए थे प्यार प्यार में, दो गल्ला चावल खाए थे उस समय। तीसरा गल्ला जब मारने के लिए हाथ ऊपर उठाया था श्री कृष्ण भगवान ने, तो रुक्मण ने हाथ को पकड़ा था और यह कहा था, स्वामी मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि आपने अपने मित्र की गरीबी और दरिद्रता को देख करके दो गल्ला चावल खा लिए हैं और प्यार प्यार में दो लोग दे चुके हो आप। यदि तीसरा गल्ला भी तुमने मार लिया तो तीनों लोगों का नाथ हो जाएगा सुदामा, और हमारी हालत यह हो जाएगी जो आज सुदामा की। साथियों ये कहा, तने के मेरा तेरे प्यार में बहके मैंने टूक तलक भी खाया ना, अरे धन्य सुदामा टोटे में भी तने स्वाभिमान गिराया ना। एक बार अपने देश में जाकर देख तो सही क्या यार ने यारी निभाई या नहीं निभाई। अंतिम और चौथी पंक्ति आपके बीच में लोगो एक एक गोल मोती की तरह लिखा। विद्रव देश पहुंच मेरे मिंत्र, देख ले एक दो तीन चल सकता हो तुझे। विद्रव देश पहुंच मेरे मिंत्र, विद्रव देश पहुंच मेरे मिंत्र, विद्रव देश पहुंच मेरे मिंत्र, तेरे चंगे हाल बना दूंगा तेरे महल में मान सरोवर जैसे ताल बना दूंगा, हीरे मोती कड़ी मणि से माला है महल बना दूंगा, दुनिया भर में यारी की मैं गजब मिसाल बना दूंगा, प्रेम पाल में भी जीवन में ऐसा छंद अनोखा गाया ना, तेरे जैसा यार जगत में तोहे से भी पाया ना। जगत में कभी तेरा दाम ना छोड़ेंगे हम, कभी तेरा दाम ना छोड़ेंगे हम, चाहे जमाना करे चाहे जमाना करे लाखों सितम, कभी तेरा दाम ना छोड़ेंगे हम, कभी तेरा दाम ना। बहन चंद्रावल, हाँ भाई गोपीचंद, मैं तेरा वही भाई गोपीचंद हूँ जो कभी राज ताज रख कर के कणी मणि दान करता हुआ चला आता था। परंतु भैया राजा तो तू आज भी है। आज राजा नहीं हूँ, माता के कहने से जोग धारण कर लिया। नहीं भाई, एक माँ अपने बच्चे को ऐसा आदेश कभी नहीं दे सकती। मेरी बात का विश्वास करिए मेरी बहन। अच्छा हाँ। अगर तूने माँ के आदेश का पालन किया है गोपीचंद, तो एक बार ख्याल अपनी बहन चंद्रावल के विषय में भी कर लिया होता। बहन हालात के सामने मैं मजबूर हूँ, जो आदेश मुझे माँ ने किया है वो सर्वोपरि और परमात्मा का आदेश। परंतु भाई हर बहन के जीवन में कुछ ऐसे वक्त आते हैं जब एक भाई की जरूरत उस बहन को पड़ती है, और अगर तूने माँ के आदेश का पालन ही किया है
तो एक अनुरोध इस बहन चंद्रावल का भी सुन ले। कहिए। सुनिए भैया। हे गोपी चंद
साथियों बहन चंद्रावल ये कह रही है, ए भाई माँ आदेश ऐसा नहीं दे सकती कि तुझको जो भी बना दे, लेकिन लोगों राजा पद्म सेन की पीठ पर भी एक निशान था और उसी तरह का निशान गोपी चंद की पीठ पर पे भी था। साथियों जब देख लेती है मां मैना बनती तो मन के अंदर यह बात घर कर गई कि जिस तरह से इसके पिता को काल ने खाया है एक रोज उसी तरह से गोपी चंद भी काल का शिकार हो जाएगा, तो इसके शरीर को अमर करा ले, क्योंकि ये लोगों माता को अपने बेटे से ज्यादा कोई भी चीज प्यारी नहीं हुआ करती। तीसरे नंबर पर क्या दर्शाया, क्या लिखा वाला चढ़ती हुई रे जवानी संयम और साथ ना से सब मिट जाती ही परेशानी, ओ सब मिट जाती परेशानी, हो दिल पे भारी चोट खाट जीवन में दो ऐसे वक्त आते हैं जब हर भाई की जरूरत हर बहन को पड़ती है। कहते हैं श्रोताओं एक तो रक्षाबंधन का दिन, हर बहन की ख्वाहिश होती है कि अपने भाई की सूनी कलाई में वो रक्षा का धागा बांधे, और मेरे भाई दूसरा वक्त वो जब भी किसी बहन के बच्चे ब्याह शादी योग्य हो तो हर बहन की ख्वाहिश होती है कि उसका भाई पटड़े के ऊपर आकर के समय से खड़ा हो जाए, चाहत नहीं कि धनवाल ही भात के अंदर लौटाए। मेरे जीवन में भी ऐसे वक्त आएंगे, कम से कम एक बार तो इस बहन चंद्रावल के बारे में सोच लिया होता भाई। ए बहन। हाँ भैया। माता का आदेश हो गया तो मैंने उस आदेश को टाला नहीं, वो आदेश मेरे लिए उस भगवान का आदेश हो गया, वो परमात्मा, वो जगत का पालनहार जो हर जीव को इस जिंदगी के अंदर जीना सिखाता है और खाना देता है, वो परमात्मा जो निराकार निरूप है वो तेरा भात भरेगा। मैं मानती हूँ कि माँ का आदेश का तूने पालन किया, परंतु क्या इस बहन चंद्रावल के प्रति तेरा कोई फर्ज नहीं बनता गोपीचंद? हे बहन अपनी बात कह दे। सुन ले भैया, धर ले बहन लाडली हर तेरा ध्यान करेगा, हर तेरा ध्यान करेगा, ओ बारहा कन्या बिन तेरे कौन कन्या दान करेगा,
सबका मालिक रखवाला रख सा भगवान करे कृष्ण भैया आज बहन का क्या बात है ये रजिया तंग देख गई हस्तनापुर के पंचों कदू न्यारा ढंग देख जाइए न्यारा ढंग देख जाइए हस्तनापुर के पंचों का तू न्यारा ढंग देख जाइए न्यारा ढंग देख जाइए दुशासन मेरा चीर उतारे कुछ देर में नंगी हो लूंगी कुछ देर में नंगी हो लूंगी मेरे हारे बैठे चूहे के मेरे मौत का रास्ता ढो लूंगी मैं भी दाव पे लगा दई अब कहां तलक जंग झोलूंगी कहां तलक जंग झोलूंगी हस्तनापुर के पंचों का तू न्यारा ढंग देख जाइए न्यारा ढंग देख जाइए की समझी रहे देख तमाशा हिम्मत नहीं उठने की हिम्मत नहीं उठने की अरे गद्दारों की तरह सिवाना खोटी बाण छूटने की पुत्र मोह में अंधा हो गया रे इच्छा मोह लूटने की इच्छा मोह लूटने की हस्तनापुर के पंचों का तू न्यारा ढंग देख जाइए न्यारा ढंग देख जाइए
थमा करनी यहां मुंह आई बख रहे कन्हैया मेरा लावार सावरण यहां लावार सावरण यहां रे जिन बातों ने सुन के भैया रे फटनी चाहिए धरनी यहां चुप बैठे मेहमान तेरे इब मेरा हो गया मरण यहां मेरा हो गया मरण यहां जइए हसनापुर के पंचों का तू न्यारा ढंग देख जइए न्यारा ढंग देख जइए और चौथी बात में कहने लगी क्या उस पांडवों की पूरी सभा में कोई बोलने वाला नहीं था और जो दुर्योधन का भाई विक्रम था उसने कुछ कहा तो उसको बाहर निकाल दिया किस तरह से चौथी बात में क्या बात कहते हैं अरे दुर्योधन का भाई विक्रम कह क्या बोले सच्चाई का महाराज ते काट दिया कुछ ख्याल करया ना भाई का ओ ख्याल करया ना भाई का हसनापुर में काजे बसे फल मिल जा तुझे या भाई का लात मार के विदुर भगा दिया बोल बंद हर काई का बोल बंद हर काई का हसनापुर के पंचों का तू न्यारा ढंग देख जइए न्यारा ढंग देख जइए करो मात स्वीकार भेटने हो धरी मिठाई पान मने सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने हो सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने हो करो मात सभी कार भेटने धरी मिठाई पान मने सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने हो सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने मेहर की पल में पर तारती ढोलक और बजा कर चिमटा करता तेरी आरती हो ढोलक और बजा कर चिमटा करता तेरी आरती हो भक्त बचाती दुष्ट मारती हो जननी दे गाने का वरदान मने ओ, 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 ओ,
इर ऋषि योगी तने हर कोई सिंह झुकाता, खुलता है जब भेद वेद का तेरी महिमा गाता हो, खुलता है जब भेद वेद का तेरी महिमा गाता, तू बल विद्या बुद्धि की दाता हो, बल विद्या बुद्धि की दाता तू ही दिखती खान मने, सरस्वती से जग जननी रे गाने का वरदान मने, सरस्वती से जग जननी दे गाने का वरदान मने, दुनिया तने सुमरती दे मूरख को ज्ञान मात, तू गोदबाज की भरती हो, दे मूरख को ज्ञान मात तू गोदबाज की भरती, तू मन की मनसा पूरी करती हो, मन की मनसा पूरी करती रे तेरे प्यार महान मरे, सरस्वती से जग जननी सिंह राज बल के साकार करो सपने को, लड्डन सिंह राज बल के साकार करो सपने को, हो तेरे चरण में सरी अपने को हो, तेरे चरण में सर अपने को री भर राख्या इस स्थान माने, सरस्वती से जग जननी दे आने का वरदान मने, जग जननी दे गाने का वरदान मने, हो करो मात सभी कार भेट दे धरी मिठाई पान मने, सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने, सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने। सोनू टैक कैसे